हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहिनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज़ है, कोई मेरे घर आने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। जो मेरे इंस्टाग्राम के लोग हैं ना, जो मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं मेरे चैनल, वो अच्छी तरह उसको जानते हैं। तो बस वो लोग मेरे घर आने ही वाले हैं, रास्ते में हैं। मैंने उनको लोकेशन सेंड कर दी है, 10 मिनट की दूरी पे हैं बस। और मैंने खाना पीना सब बना लिया है, एक बज चुका है और अब मैं थोड़ी सी तैयार वगैरह हो गई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी मेमोरी के लिए छोटा सा एक ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, और मेरे जो इंस्टाग्राम के फैंस हैं उन्हें देख के भी अच्छा लगेगा। और संडे हैं, ये भी आज घर पे ही हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है, और फिर जब वो लोग आएंगे तो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, ठीक है? हेलो। तो गाइज, यहाँ पर मैंने बनाई थी मिक्स वेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप देख सकते हो, देखने में भी लग रही होगी। उसके साथ मैंने यहाँ पर बनाई थी दाल मखनी, और ना मैंने यहाँ पर चावल को भिगो के रख दिया था, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है चावल को बनने में। और यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया था। तो जैसे ये लोग आए थे ना, सबसे पहले मैंने राइस चढ़ा दिए थे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ बना बना के इनको दे जा रही थी, क्योंकि टाइम गाइज बहुत ज़्यादा हो गया था और भूख भी लग रही थी बच्चों को। तो इसलिए मैंने कहा पहले आप लोग खा लो, फिर हम लोग खा लेंगे। और गाइज, आप मोनिका को जानते ही होंगे, कुछ लोग तो मेरे जो फ्रेंड है वो तो जानते ही हैं, और कुछ इंस्टा के जो हैं वो भी लोग जानते ही हैं। मोनिका मेरी बहुत ही अच्छी एक दोस्त है। करीब 4-5 साल पहले ही मैं इसको मिली थी, और बीच में हम लोगों का थोड़ा सा मतलब हम लोग दूर दूर हो गए थे। ये दिल्ली में ही थी और मैं लखनऊ चली गई थी, तो हम लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। नंबर था पर हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे। फिर अभी 4-5 महीने पहले ही ये मुझे इंस्टा पे मिली थी, जब से हम लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो कुछ टाइम पहले मैं भी इसके घर गई थी, तो मैं इसको इन्वाइट करके आई थी, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली ये आ गई। तो बस हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर हम लोगों ने सोचा था, थोड़ा सा प्लान बनाया था, हम खाना खाने के बाद है ना कहीं बाहर चलेंगे, थोड़ा अपना इंस्टा के लिए वीडियो वगैरह बनाएंगे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था उस दिन, काफ़ी अच्छा लगा, और अथर्व ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। गाइज, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, तो अब लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा हम लोग बाहर चलते हैं, और मैंने भी चेंज कर लिया है। तो बस अब हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह शूट करेंगे। तो चलिए, जहाँ हम लोग जा रहे हैं फिर हम लोग को वहाँ मिलते हैं आप लोगों को। और ये बैग लेके जा रही है, वहीं से भी निकल जाएगी, पर मैं इसे जाने नहीं दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको। गाइज, हम लोगों ने ना यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, शाम हो चुकी है। तो अब ये जाने का इसका प्लान बन गया है, ये कह रही है मैं जा रही हूँ। यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है यहाँ पर। तो बस अभी इसकी हम लोग कैब बुक कर रहे हैं, ये कैब से जाएगी। बाय। जा रही है। देखो कितनी सारी गाय है, देखो। अभी नहीं जा रही है। बस मैं ना कैब बुक कर रही हूँ, और फिर तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तू कहाँ मिल जाएगी? मेट्रो गेट नंबर पूछ लियो कहाँ पर, कौन से वाले। तो गाइस, अब ये जा रही है, इसकी कैब आ चुकी है, तो फाइनली ये जा रही है अब। तो गाइज, मोनिका की कैब जो है वो आ चुकी थी, और यहाँ देखिए उसका जो छोटा बेटा है ना, वो जाने के लिए मतलब बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था, भाग रहा था, बहुत दूर दूर तक भाग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड उसको लेके आए, उसको कैब में बिठाया। जब मैं उसके घर गई थी ना, तब भी ये मुझे बिल्कुल नहीं जाने दे रहा था, और इतना ज़्यादा रोया था उस टाइम पे भी। वो भी उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने गाइज वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो ज़रूर मैं
उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके ज़रूर देखना। और ये मोनिका का बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, छोटा बेटा ज़्यादा नॉटी है इसका। बाय 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 बाय, आराम से जाना, ठीक है, अंदर बैठो, अंकल के पास जाना। ये फिर रोना शुरू इसका। बाय आदि, बाय बाय, ध्यान से जाना, कैसे रो रहा है, देख देख देख। गाइस बस मोनिका जा चुकी है, हमने उसको कैब करा दी थी, तो करीब 1.5 या 2 घंटे लगेगा उसको पहुंचने में। तो बस गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे। और गाइस आपको बताऊँ, हम लोग की जो फ्रेंडशिप है ना, उसको ना पूरे 4 ईयर हो चुके हैं, पर बीच में हम लोगों की फ्रेंडशिप मतलब एकदम हम बिल्कुल दूर दूर हो गए थे, क्योंकि मैं लखनऊ चली गई थी और ये दिल्ली में ही थी, पर इतना कॉन्टैक्ट में नहीं थे हम लोग। तो फिर उसके बाद जब मैं लखनऊ से आई दिल्ली, तो भी हम लोगों का इतना कॉन्टैक्ट नहीं था, एक दूसरे का नंबर नहीं था हम लोगों के पास। फिर हम लोग इंस्टाग्राम पर दोबारा मिले, और जब से हम लोगों की फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है ना, टच वुड, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं अब हम लोग। तो वह सब घर एकदम ना सुना सुना से लग गया है, मतलब बच्चे भी आए थे और अथर ने भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, तो एकदम घर ऐसे लग रहा है। और बस जब वो घर पहुँच जाएगी तो मुझे कॉल कर देगी, बस अभी मैंने उसको कॉल करके पूछ लिया था, अभी उसको आधा घंटा और लगेगा घर पहुँचने में। और गाइस डिनर आज कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि मिक्स वेज भी रखी है और दाल मखनी भी रखी है, राइस भी रखा है, तो इतना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। अभी तो बस मुझे चाय पीनी है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मुझे चाय पीने की, तो बस अभी मैं चाय बनाऊंगी। और मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर चाय वगैरह बना लूँगी, और थोड़ा सा किचन भी फैला हुआ है उसको भी साफ़ करना है, पर थोड़ी सी टायर्ड भी हो गई हूँ, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही है कुछ काम करने की। होता है मुझे ना दिन में ज़रूर थोड़ा सा, चाहे मैं सोऊँ ना, पर मुझे थोड़ा सा लेटना ज़रूर होता है, तो आज बिल्कुल भी लेटी नहीं हूँ। पर लेटना तो गाइस साइड में है एक तरफ, पर खूब ज़्यादा इन्जॉय किया। और गाइस हम लोग बाहर भी गए थे, हमने बहुत सारी रील्स बनाई है वहाँ पर, और अगर आपको वो सारी रील्स देखनी है ना, तो गाइस ये मेरी इंस्टा आईडी है, जल्दी से जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, और वहाँ पे आपको सारी रील्स मिल जाएगी। तो बस गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, पूरा दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको मेरा छोटा सा एक व्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना, बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।